गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड की जो चैप्टर नंबर फोर चल रहा था हमारा, चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम था कूल वी हीट, वो पूरा हो चुका था उसका रीडिंग पार्ट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। पेज नंबर है आपका 20। आई होप आप लोगों ने चैप्टर पर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और अगर अच्छे से किया होगा आपने तो आपको इसको क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसमें हमने फूड्स के बारे में पढ़ा था कि फूड्स हम जो लेते हैं डाइट में अपनी क्या क्या लेते हैं और क्या क्या इसकी इसमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन से प्रोटीन विटामिन्स और जो कुछ भी आपको फूड से मिलता है वो सब हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और फूड्स को लेकर हमारी क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए, किस टाइप का फूड हमें खाना चाहिए, किस टाइप का फूड हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है, और किस तरीके से खाना चाहिए वो सब हमने देखा था इस चैप्टर में। तो अब हम इस चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड और ये आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, पहले मैं आपको जो आंसर सही है उसको बता दें कि डैश इज अ जंक फूड, चिप्स पिज्जा एंड बर्गर। इसको आप बुक में लगाएंगे कि आपको बताना कि चिप्स पिज्जा बर्गर में से तीनों में से कौन सा जंक फूड है और या फिर ऑल ऑफ दिस, तो इसमें लिखेंगे ऑल ऑफ दिस। तीनों टाइप के जो फूड है ये जंक फूड है, तो इसमें आ जाएगा डी। सेकेंड है फूड गिव अस टू वर्क, कि फूड हमें काम करने के लिए क्या देता है, एनर्जी, तो सेकेंड में आ जाएगा के, एनर्जी देता है। पोटैटोज राइस केक्स आर फूड, एनर्जी गिविंग फूड। पोटैटो हुआ, राइस हुआ, केक्स हुआ, ये सब कैसे हैं, एनर्जी गिविंग फूड, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। फोर्थ है डैश कैन बी ईटन कुक्ड, यानी इसको कैन बी ईटन कुक्ड यानी इसको हम कुक करके खा सकते हैं, तो कैरेट, ठीक है, कैरेट को आप खा सकते हैं। फिफ्थ है व्हाट मेक द फूड इजी टू डाइजेस्ट, क्या फूड को डाइजेस्ट करने में क्या इजी है, क्या हेल्प करता है, तो कुकिंग अगर आप फूड को करते हैं तो जो आप फूड कुक करके खाते हैं तो वो आपके इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसमें आ जाएगा कुकिंग। यानी पहले में आ गया डी, सेकंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ में बी एंड फिफ्थ में भी बी। आगे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी बी का फर्स्ट कि फूड गिव अस डैश टू वर्क एंड प्ले, अभी किया था फूड हमें क्या देता है, एनर्जी, पहले में आ जाएगा एनर्जी। सेकंड कुकिंग फूड किल्स डैश जंक्स हार्मफुल, जो आपके नुकसान पर पहुंचाने वाले जंक्स होते हैं उनको मार देते हैं। थर्ड डैश एंड डैश आर बॉडी बिल्डिंग फूड, एग्स एंड पल्सेस, यानी पहले में आ जाएगा एग्स, दो एग्स में तो पहले में एग्स, दूसरे में आ जाएगा पल्सेस, यानी एग्स और पल्सेस के हैं आपके एनर्जी गिविंग, सॉरी बॉडी बिल्डिंग फूड है। फोर्थ है हार्मफुल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड जंक्स। फिफ्थ राइस शुगर केक आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, जो भी अभी ऊपर किया था। ठीक है, ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखेंगे इसका सी पार्ट, ट्रू फॉल्स है बुक में देखेंगे। शुगर इज एनर्जी गिविंग फूड, यस ट्रू, तो फर्स्ट में आ जाएगा ट्रू। कुकिंग फूड किल्स हार्मफुल जर्म्स, कुकिंग करने से हार्मफुल जर्म्स मर जाते हैं, यस ट्रू। थर्ड वी शुड ईट अनकवर्ड फूड, क्या हमें ढका हुआ मतलब जो ढका हुआ खाना नहीं होता उसको खाना चाहिए, फॉल्स, नहीं, हमें ढका हुआ खाना चाहिए यानी कवर्ड फूड खाना चाहिए, फॉल्स। फोर्थ मिल्क इज नॉट ए कम्प्लीट फूड, फॉल्स, मिल्क एक कम्प्लीट फूड में आता है। फिफ्थ है फ्रूट एंड वेजिटेबल आर प्रोटेक्टिव फूड, यस ट्रू, फूड एंड वेजिटेबल क्या है आपके प्रोटेक्टिव फूड है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर डी पर, आंसर था फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स, यानी आपको वन और टू वर्ड्स में आंसर देना है। पहला नेम एनी टू प्रोटेक्टिव फूड्स, अभी हमने किया है, तो आपको प्रोटेक्टिव फूड बताने हैं, इसमें आ जाएगा डी का फर्स्ट, इसमें आ जाएगा मैंगो एंड मिल्क, ये क्या है आपके प्रोटेक्टिव फूड। सेकेंड व्हाट हेल्प द बॉडी टू वर्क वेल अलोंग विद द फूड, क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में वर्क करने के साथ, मतलब फूड के साथ, इसमें आ जाएगा प्रोटीन, यानी फूड से हमें जो प्रोटीन मिलता है वो हमारे हेल्प करता है वर्क करने में। थर्ड नेम एनी टू वेजिटेबल दैट कैन बी ईटन रो एज वेल एज कुक्ड, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, इसमें आ जाएगा कैबेज और कॉलीफ्लावर। नेम एनी टू मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क से बनने वाले दो प्रोडक्ट, इसमें आ जाएगा बटर, दूसरा आ जाएगा चीज, यानी ये मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट है, ठीक है। पहले में आ गया मैंगो मिल्क, सेकेंड में प्रोटीन,
थर्ड पे केबेज, फोर्थ में केबेज एंड कॉलीफ्लावर एंड फोर्थ में आगे बटर एंड चीज। अब आएंगे ई पार्ट पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, कौन कौन से टाइप के फूड होते हैं उसको आपको नाम लिखने हैं। तो इसका लिखेंगे हम ई का फर्स्ट लिखेंगे द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आर दाल, चपाती, राइस, कर्ड एंड वेजिटेबल, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कौन कौन से हो गए जो हम यूज लेते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आर दाल, चपाती, राइस, कर्ड एंड वेजिटेबल्स। आ गया व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं वो बताना है। तो इसका देखेंगे सेकंड, इसमें लिखेंगे मिल्क, एग्स, चीज, फिश, बीन्स, नट्स, पल्सेस एंड मीट आर बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से होते हैं, मिल्क, एग, चीज, फिश, बीन, नट्स, पल्सेस एंड मीट, ये सब किस टाइप के फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड। आगे है राइट एनी टू गुड ईटिंग हैबिट्स, आपको दो कोई अच्छी ईटिंग हैबिट लिखनी है, इसमें लिखेंगे आप पहली हैबिट लिखेंगे, अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड, यानी जो फूड ढका हुआ नहीं होता है उसको खाना अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड, वी शुड क्लीन आवर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग और ईटिंग ऑफ एनी फूड, यानी किसी भी फूड को हाथ में लेने और खाने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए, ये आपकी दो गुड ईटिंग हैबिट होगी। नेम सम एनर्जी गिविंग फूड, आपको एनर्जी गिविंग फूड बताने, इसमें लिखेंगे थर्ड राइस, पोटैटोस, जैम्स, शुगर, मिल्क, बटर एंड घी आर एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हो गए, राइस, पोटैटोस, जैम, शुगर, मिल्क, बटर एंड घी आर एनर्जी गिविंग फूड। व्हाट इज द यूज ऑफ कुकिंग फूड, यानी फूड को कुकिंग करने का क्या यूज है, कैसे ये बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर
फाइव इसमें देखिए कुकिंग मेक द फूड सॉफ्टर, कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्टर एंड इजी टू डाइजेस्ट, यानी खाने को कुक करने से सॉफ्ट हो जाता है और डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव द टेस्ट, इट ऑल्सो इम्प्रूव द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड, ठीक है, खाने का टेस्ट को भी बढ़ा देता है और उसकी जो स्मेल होती है उसको भी इम्प्रूव कर देता है। फिर आगे कुकिंग फूड ऑल्सो किल हार्मफुल जर्म्स, कुकिंग क्या करता है, कई सारे जर्म्स होते हैं जो आपके लिए बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको भी खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये यूज है कुकिंग का कि कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्टर एंड इजी टू डाइजेस्ट, कुकिंग करने से फूड जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। इट आल्सो इंप्रूव द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड, ये फूड की टेस्ट और उसकी स्मेल को भी इंप्रूव कर देता है। साथ ही साथ कुकिंग फूड इज आल्सो किल्स हार्मफुल जर्म्स, यानी कुकिंग करने से कई सारे हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर था आपका फोर, फूड वी ईट, क्लास थर्ड का EBS का, जो कि हो चुका है आपका कंप्लीट और इसको अब आप नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। जो बुक वर्क है वो आपको नहीं करना है, सिर्फ इसके जो क्वेश्चन आंसर वही आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है, जो उसका राइटिंग पार्ट है वही करना है और जो बुक वर्क है वो आपको बुक में ही फिल करना है, जैसे ट्रू फॉल्स हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए और नेम वन और टू वर्ड्स वाले जो हो गए वो आपको बुक में ही करने हैं। बाकी जो उसके फाइव क्वेश्चन हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके चैप्टर नंबर न्यू चैप्टर नंबर फाइव के साथ, ठीक है, और इसका नाम है आर होम, ठीक है, हम अपने होम के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फाइव में, वो भी चैप्टर तो ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, जो एक वीडियो में आई थिंक उसका रीडिंग पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर फोर, इजी था, इसको लर्न कर लेना साथ साथ में इसका होमवर्क कंप्लीट करने के बाद। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके चैप्टर नंबर फाइव के साथ जिसके टॉपिक है आर होम। थैंक यू।